सिलेक्शन ऑफ अ स्टोरेज टैंक, किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज में स्टोरेज टैंक का सिलेक्शन किस प्रकार किया जाए, आज का टॉपिक ये है। प्रोसेस इंडस्ट्रीज में डिमांड से अतिरिक्त प्रोडक्शन होने पर स्टोर करने की आवश्यकता होती है एवं यूनिट ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न प्रोडक्ट को विभिन्न चरणों से गुजार कर ही मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इन चरणों के मध्य विभिन्न स्तरों पर उत्पाद को स्टोर करने की आवश्यकता होती है। सॉलिड पदार्थ को स्टोर करने के लिए गोदाम आदि की आवश्यकता होती है, जबकि फ्लूड जिसमें गैसेस या लिक्विड्स आते हैं उनको स्टोर करने के लिए एक वेसल की आवश्यकता होती है जिसे स्टोरेज टैंक कहते हैं। स्टोरेज टैंक एक्चुअली में घरों में हम लोग लिक्विड वाटर को स्टोर करने के लिए हम वाटर कूलर का यूज़ करते हैं या बाल्टियों का यूज़ करते हैं, वो एक स्मॉल स्केल होगा। इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर स्टोर करने के लिए स्टोरेज टैंक का प्रयोग किया जाता है। इन स्टोरेज टैंक का निर्माण ऐसे मटेरियल से किया जाता है जो उपयुक्त प्रोडक्ट से क्रियाशील ना हो एवं कोरोजन ना हो सके। ऐसे पदार्थ का चयन करते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट स्टोरेज टैंक बनाने के लिए जो उसमें स्टोर किए जाने वाले प्रोडक्ट के साथ में रिएक्ट ना कर सके, जिससे कोरोजन का खतरा ना हो। स्टोरेज टैंक मुख्यतः माइल्ड स्टील से बना होता है, किंतु कंडीशंस के अनुसार विभिन्न कंडीशंस में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं स्टोरेज टैंक बनाने में। कभी कभी ये स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम तथा क्लैड स्टील का भी बनाया जाता है। स्टोरेज टैंक का निर्माण विभिन्न मेटल शीट को फैब्रिकेट कर आवश्यकता एवं फ्लूड प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही किया जा सकता है। स्टोरेज टैंक का सिलेक्शन उसमें स्टोर किए जाने वाले फ्लूड के आधार पर किया जाता है। फ्लूड मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल और गैशियस। नॉन वोलाटाइल फ्लूड वह फ्लूड होता है जो किस बहुत ही कम ताप पर वेपराइज हो जाता है। वोलाटाइल फ्लूड वह फ्लूड होता है, वह लिक्विड होता है जो जल्दी वेपराइज नहीं होता है, उसके लिए किसी निश्चित ताप पर हीट प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। और गैशियस थर्ड बनाता है, गैशियस फ्लूड गैशियस स्टेट में होता है, उसको कंप्रेस करके हमें स्टोरेज टैंक में रखा जाता है, जैसे कि LPG हो गई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एट्सेट्रा। तो नॉन वोलाटाइल फ्लूड को स्टोर करने के लिए किस प्रकार का हमारा स्टोरेज टैंक का सिलेक्शन करते हैं उसके बारे में बताते हैं। वह फ्लूड जो किसी निश्चित ताप पर जल्द ही वेपराइज नहीं हो पाता नॉन वोलाटाइल फ्लूड कहलाता है। ऐसे फ्लूड को स्टोर करने के लिए स्टोरेज टैंक की रूफ फ्लोटिंग टाइप होती है, जिसके द्वारा स्टोरेज टैंक का इंटरनल प्रेशर मेंटेन किया जाता है या कंट्रोल किया जा सकता है। नॉन वोलाटाइल फ्लूड को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड फ्री रूफ स्टोरेज टैंक का प्रयोग किया जाता है। वोलाटाइल फ्लूड वह फ्लूड जो किसी निश्चित ताप पर जल्द ही वेपराइज होने लगते हैं वोलाटाइल फ्लूड कहलाता है, एवं ऐसे फ्लूड को स्टोर करने के लिए प्रेशर टाइट वेसल का प्रयोग करना पड़ता है जो टैंक के अंदर टेम्परेचर व प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, जिससे वोलाटाइल फ्लूड के वेपर्स के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रेशर कंट्रोल किया जा सके। वोलाटाइल फ्लूड को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स्ड रूफ स्टोरेज टैंक का प्रयोग करते हैं। गैशियस या हाई वोलाटाइल लिक्विड का स्टोरेज मुख्यतः स्फेरिकल वेसल में किया जाता है। मुख्य कारण यह है कि जब हम गैशियस फ्लूड को किसी भी स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं तो उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है जो कॉर्नर्स पर इफेक्ट करता है, जिससे सिलैंडरिकल स्टोरेज टैंक के ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। इसलिए स्फेरिकल